Good morning. Welcome to the channel Pooja, a journey of a homemaker. आज स्पेशल दिन है. आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा कि क्या स्पेशल है आज. यस, आज मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी है और उनका आज होगा 41वां एनिवर्सरी. बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही लंबा पीरियड होता है ये, बट मैं विश करती हूँ कि हम लोग आपकी 50th एनिवर्सरी जल्दी सेलिब्रेट करें और हंसी खुशी से, बड़ी धूमधाम से हम सेलिब्रेट करेंगे आप दोनों की एनिवर्सरी. तो बस आज मैं जो व्लॉग लेके आई हूँ वो स्पेशली डेडिकेटेड टू यू बोथ ऑफ यू. आप दोनों के लिए ही मैं बना रही हूँ आज की ये स्पेशल रेसिपीज. और आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं. हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा. दिस इज द बेस्ट वे टू विश यू. आप दोनों को मैं हमेशा फोन पर तो विश करती ही हूँ, इस बार मैं अलग स्टाइल से आपको विश कर रही हूँ. और मेरे साथ मेरे जो भी व्यूअर्स है वो सब लोग आपको विश करेंगे. डेफिनेटली वो लोग आपको विश कर रहे होंगे. सो हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा. और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव बोथ ऑफ यू एज माई पेरेंट्स. एंड ये मैं दिल से बोल रही हूँ, वो आप लोग भी जानते हो कि ये स्पेशल रेसिपी इधर प्रिपेयर कर रही हूँ. वहाँ तो नहीं हूँ आपके पास, बट इधर प्रिपेयर करके मैं आप दोनों को दिखाऊंगी कि कैसी बनी है. और वहाँ जब भी हम लोग मिलेंगे या आप लोग इधर आओगे, मैं ये रेसिपी फिर से आप दोनों को बना के खिलाऊंगी. और खास करके आज जो मैं बना रही हूँ मैक्रोनी. मैक्रोनी मेरी मम्मी का सबसे फेवरेट डिश है. वो मम्मी तो दिस इज फॉर यू. और स्टफ कैप्सिकम बना रही हूँ पापा, दैट इज फॉर यू. तो बस आज स्पेशल मेरा व्लॉग आज का डेडिकेटेड टू माय मॉम डैड. अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी. बस आई एम सो लकी टू हैव यू एज माय पेरेंट्स. एंड मैं हमेशा विश करूंगी भगवान से कि आप दोनों हेल्दी रहो, खुश रहो, और जब भी मुझे जन्म मिले बस आप दोनों ही मेरे पेरेंट्स हो. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं रेसिपी बनाने का. इमीडिएटली शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट जरा भी नहीं करते हैं. चलिए, चावल को मैंने 1 घंटे के करीब सोख करके रखा है वाटर में. किडनी बीन्स राजमा को भी मैंने सोख कर लिया है और मेरे कैप्सिकम भी रेडी है. वेजेस मैंने लिए हैं कॉर्न पीस एंड बीन्स. चावल मैंने बिठा दिए हैं बॉईल करने के लिए. सारे वेजेस को भी मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है. अराउंड 3 विसल तक हमको उसको बॉईल करना है. और इधर आप देख सकते हो मैंने कैप्सिकम ले लिए है और आपने देखा कि मैंने उसको कैसे काटा है. बस उसी तरह से आप उसको काटिए और बीच वाले जो उसके सीड्स रहते हैं वो सारे निकाल दीजिए. आप देख सकते हो राइस मेरा पक चुका है और एकदम से खिला खिला उसका दाना हुआ है. ये इसी वजह से क्योंकि मैंने उसको पहले 1 घंटे के लिए वाटर में सोक कर लिया था. वेजेस भी मेरे सारे प्रेशर कुक हो गए हैं और परफेक्टली हुए हैं. मैंने 3 विसल ही किया था तो उसमें राजमा भी मेरे अच्छे से पक चुके हैं, ना ही वो कच्चे हैं और ना ही ज़्यादा बॉयल हो चुके हैं. और ये जो कैप्सिकम है दोनों, जो भी हमने काट के रखे थे उसका ही मैंने यूज़ कर लिया है, रीयूज़ किया है. सो डोंट वेस्ट योर फूड. उसको ही साइड से मैंने अच्छे से काट के उसका यूज़ कर लिया है वेजेस में. और एक बड़ा सा अनियन मैंने लिया है, उसको भी मैंने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है. और आप देख सकते हो कैप्सिकम सारे हमारे धो के मैंने अच्छे से रख लिए हैं. शुरू करते हैं हम मैक्सिकन राइस बनाने का. मैंने ले लिया है कढ़ाई और उसमें ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल. 3 चम्मच जितना मैंने ऑलिव ऑयल लिया है. अभी हम उसमें ऐड करेंगे 2 चिलीज. ये 2 ग्रीन चिलीज जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा टेस्ट के लिए ऐड कर रही हूँ, बाद में मैं उसको निकाल दूंगी. ऐड कर रही हूँ अनियन. ज़्यादा सौते नहीं करना है अपने को अनियन को, क्योंकि ये राइस वापस से माइक्रोवेव में जाने वाला है. तो बस थोड़ा थोड़ा सब वेजेस को हम सौते कर लेंगे. हल्का ही हमको अनियन को थोड़ा सौते करना है. कैप्सिकम को हम ऐड कर देंगे और उसको थोड़ा सौगी होने तक हम उसको सौते कर लेंगे. वेजेस ऐड कर रही हूँ, वो ऑलरेडी पके हुए हैं, बट इसके साथ ऐड करने से उसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आ जाएगा. ये एक बहुत ही ईजी राइस है जो कि बहुत सारे वेजेस तो डलते हैं बट मसाले बहुत ही कम डलते हैं और टेस्ट में भी वो बहुत ही अच्छा लगता है और डिफरेंट लगता है. हम नॉर्मल जो राइस खाते हैं तो कभी कभार ये इस टाइप का राइस भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है. खास करके बच्चों में तो ये बहुत ही फेवरेट है. ऐड कर रही हूँ रेड चिली गार्लिक सॉस. अभी हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप. वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते
सकते हो, बट ये राइस थोड़ा सा स्वीटर कम स्पाइसी भी रहता है, तो टेस्ट आप अपने फैमिली के मुताबिक उसमें एडजस्ट कर लो। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैं ग्रीन चिली अभी उसमें से निकाल दे रही हूँ। राइस अभी हम उसमें ऐड कर देंगे। नमक मैं ऐड कर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी राइस में मैंने डाल दिया है नमक, और वेजेस में भी डाला हुआ है, और बस हमारा मैक्सिकन राइस रेडी है। अभी शुरू करते हैं फिलिंग करना। मैंने बेकिंग ट्रे ले लिया है, एल्यूमिनियम फॉइल भी उस पर लगा दिया है, और मैं कैप्सिकम को मैंने धो के रखा था। अच्छे से वॉश कीजिएगा, वो ज़रा भी आप चीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। वेजिटेबल्स आपके सारे अच्छे से धुले होने चाहिए। और बस अभी उसमें ऐड कर रही हूँ मैक्सिकन राइस जो कि हमने बना के रखा है। फिलिंग को आपको अच्छे से टाइट फिलिंग करना है, कहीं पर भी अंदर की साइड पर भी जगह ना रहे उतना ध्यान रखें, और अच्छा वाला फिलिंग उसमें भर दीजिए। कैप्सिकम हमारे रेडी है, तो अभी मैं स्प्रेड कर रही हूँ बटर। बटर को मैंने मेल्ट कर दिया था, तो बस सारे कैप्सिकम को अच्छे से आपको कोट कर देना है बटर से। गार्निश कर रही हूँ फ्रेश कोरिएंडर लीव से। अभी बारी है चीज ऐड करने का। चीज मैंने प्रोसेस चीज लिया है, अमूल का जो आता है। आप लोगों के घर में जो भी आप लोग प्रिफर करते हो वो चीज उसमें ले सकते हो, बट हमको यही चीज अच्छा लगता है। उसको भी आपको अच्छे से सारे कैप्सिकम पे स्प्रेड कर देना है सारे चीज को। देख सकते हो बन के रेडी है, और अभी हम इसको करेंगे बेक। बेक करने के लिए माइक्रोवेव ऑलरेडी मैंने प्री हीट पे रख दिया है, तो जैसे ही वो हो जाता है मैं इसको बेक करने रख दूंगी। और साइड बाय साइड हम बनाएंगे मैक्रोनी। देखने में कितना यम्मी लगता है, ये सही में एक अच्छी वाली आइटम है जो कलरफुल है, और कलरफुल आइटम तो बच्चों को भी पसंद है और बड़ों को भी पसंद है। तो मेरा प्री हीट हो चुका है, तो अभी हम शुरू करते हैं अंदर रखने का। सोवर मैक्सिकन स्टफ कैप्सिकम राइस इज रेडी। अच्छे से बेक हो चुका है, चीज भी ऊपर का अच्छे से उसने कलर चेंज कर लिया है, तो दिस इज द परफेक्ट। जब मेरा राइस रेडी हो चुका था तब मैंने थोड़ी देर के लिए उसको ठंडा करने के लिए रखा था, तब मैंने मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रख दिया था। और मैंने 2 कप मैक्रोनी लिया है, और आप देख सकते हो कौन सा वाला शेप है। मैक्रोनी के लिए हमेशा यही वाला शेप वाली ही मैक्रोनी जाती है, और कोई शेप वाली ही मैक्रोनी नहीं कहलाती है। अभी हम शुरू करते हैं व्हाइट सॉस बनाने का। मैंने लिया है 2.5 चम्मच जितना बटर, और साइड में आप देख सकते हो मैंने मिल्क भी वार्म करने के लिए रख दिया था। हम ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच मैदा। मैदा ऐड करने के बाद आपको उसको अच्छे से चलाना है ताकि मैदा अच्छे से बटर के साथ मेल्ट हो जाए, और उसको थोड़ी देर तक आपको उसको भुनना है। आप देख सकते हो मैदा हमारा अच्छे से भुन रहा है, थोड़ा सा उसको कच्चा टेस्ट चला जाए तब तक भुनते रहना है। मैदा जब आपका अच्छे से भुन जाएगा तब उसमें अच्छे से झाग आने लगेगी ऊपर की तरफ, बस उसी टाइम पे आप उसमें मिल्क ऐड कर दीजिए अपना। और मिल्क ऐड करने के बाद भी उसको इमिडिएटली चलाते रहिए, और आपका गैस का फ्लेम हाई फ्लेम पर ही रहना चाहिए उस टाइम पे, और आपको उसको कंटिन्यूअस चलाना है। आप देख सकते हो मिल्क हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा है, और मैदे के साथ भी वो अच्छे से मिल गया है, और उसमें उबाल भी आ रहा है। बस अभी थोड़ी देर के लिए उसको पका के, जब तक वो थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए तब तक उसको पकाते रहिए। बस हमारा व्हाइट सॉस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हो, कई लोग उसमें ऊपर से टोमेटो केचप भी ऐड करके खाते हैं, तो अगर आप वैसा करते हो तो आप चीनी थोड़ी कम डालिए। हम लोग नॉर्मली ऐसे ही खाते हैं, टोमेटो केचप नहीं लेते हैं, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ उसमें चीनी। ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। मैक्रोनी हमारी रेडी हो चुकी थी, और अच्छे से उसके खिले खिले दाने थे, वो ज़रा भी चिपचिप नहीं थी, तो आपको उसको अच्छे से प्रॉपर जजमेंट पे पकाना है। मैंने उसको 10 मिनट के लिए पकाया था, और अभी मैं ऐड कर रही हूँ व्हाइट सॉस। ये मेरा बेकिंग ट्रे है, यही ट्रे सीधा मेरा माइक्रोवेव में जाएगा।
अभी बारी आती है चीज़ ऐड करने की, और जो लोगों ने मैक्रोनी खाई है उनको तो पता ही होगा कि चीज़ के बगैर मैक्रोनी है हो ही नहीं सकती है। तो बस इसमें डालिए, आप बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें डलता है, आप अपने फैमिली के मुताबिक उसमें ऐड कीजिए। कभी कभी अनहेल्दी खाना भी चलता है किसी दिन, तो बस वही मैं कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा चीज़ उसमें ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमको मैक्रोनी के ऊपर वाला जो चीज़ बेक होके आता है वो बहुत ही पसंद आता है। तो हमारी प्लेट रेडी है माइक्रोवेव में जाने के लिए, बस अभी मैं उसको बेक करने के लिए रख दूंगी। और एक तरफ मेरे जो स्टफ कैप्सिकम है वो भी हो चुके हैं, तो अभी मेरा माइक्रोवेव भी फ्री है। सो दिस इज आवर फाइनल डिश, मैक्रोनी, बेक मैक्रोनी। सो दिस इज डिनर टाइम एंड प्लेट मैंने सर्व कर दिया है, और मैक्रोनी रेडी है, स्टफ कैप्सिकम भी रेडी है, और साथ में है एप्पल जूस। और ये आप लोग ज़रा भी गलत मत सोचिए कि ये कुछ और है, ये बॉटल वैसा आता है, बट ये एप्पल जूस है, ओरिजिनल एप्पल जूस विच इज़ नॉन अल्कोहलिक। सो प्लीज़ डू ट्राई दिस ऑल्सो, ये बहुत ही अच्छा लगता है, और कभी कभार इस टाइप के खाने के साथ तो ये सब जूस होने ही चाहिए। बस हम इधर बैठ चुके थे खाना खाने के लिए, और स्पेशल ओकेजन पर स्पेशल खाना तो बनता ही है, तो बस मैं आर्यन को वही टेस्ट करवा रही थी पहला कि कैसा बना है। काफ़ी दिनों बाद एक्चुअली थी इस बार मैंने मैक्रोनी बनाया था, काफ़ी टाइम हो चुका था। सो हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि चलो अच्छा है, और ये मैं हस्बैंड को खिला रही हूँ। आप सब व्यूअर्स को तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, आज की मेरी ये स्पेशल रेसिपी कैसी लगी वो भी बताइए। और ये मैक्रोनी बहुत ही इजी है, पता नहीं सबको ऐसा क्यों लगता है कि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, वो चीज़ घर पे कैसे हम बना सकते हैं, पर आज आप लोगों ने देखा है कि वो कितनी इजी है बनाने में। सो बना लीजिए, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। ब्लॉग इधर ही ख़त्म करती हूँ, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बाकी सब आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए आगे। तो बस जल्दी मिलती हूँ कुछ नए रेसिपीज़ या तो फिर कुछ नया व्लॉग लेके, जल्दी हाजिर होती हूँ आप लोगों के सामने। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।